उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है और बाढ़ और बारिश का पानी पर्वतीय इलाकों से होते हुए अब मैदानी इलाकों की तरफ भी बढ़ गया है। इस वक्त हम प्रयागराज के न्यू नैनी ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो मीटर लगाया गया है जिससे पानी नापा जा सकता है वो साफ तौर पर 82 मीटर तक पहुंच गया है। 84 मीटर जो है वो डेंजर लेवल है। आप समझ सकते हैं कि महज 2 मीटर अब बाकी है, लेकिन कई ऐसे तटीय इलाके हैं जहां पर बाढ़ का पानी, बारिश का पानी आ चुका है, घरों के भीतर दाखिल हो चुका है। बात अगर करेली, गौसनगर, गड्ढे कॉलोनी और झूसी के इलाकों की जाए, छोटा बगाड़ा, जहां पर पानी जो है घरों के भीतर भी प्रवेश कर चुका है। करीब 4 से 5 फीट तक पानी आ चुका था और बारिश कल हुई थी तो बारिश के बाद और भी जल भराव हमें देखने को मिला। साफ तौर पर जो शहर के सिस्टम की बात की जाए तो नगर निगम ड्रेनेज सुविधा जो है वो ठीक नहीं होने की वजह से जगह जगह सड़कों पर भी जल भराव देखा गया। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं आसपास के मछुआरों की बात की जाए तो वो यहाँ पर हम कहेंगे कि मछली पकड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जल पुलिस की बात की जाए, SDRF की बात की जाए तो वो यहाँ पर समय समय पर गश्त करते रहते हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो तटीय इलाके हैं उनसे दूरी बनाकर रखें, गंगा और यमुना के नजदीक ना जाएं, स्नान करने से बचें, जो बैरिकेटिंग की गई है वाटर उसी के पहले ही स्नान करें। और कल वो दिन था जब श्री बड़े हनुमान मंदिर में गंगा माँ का पानी जो है वो दाखिल हो गया था और उसके बाद प्रयागराज वासियों में खुशी की लहर झूम उठी, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी माँ गंगा जो है वो श्री बड़े हनुमान मंदिर में प्रवेश की और उसके बाद अभिषेक किया गया, आरती किया गया। तो कुल मिलाकर के स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार अपील कर रहा है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। आए दिन इस ब्रिज से लोग सुसाइडल पॉइंट की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर लगातार जो है पुलिस तैनात रहती है और इस जगह की खासतौर पर निगरानी की जाती है। लेकिन आने वाले दिनों में लगातार गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।